हेलो दोस्तों, मैं अब आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच वर्ल्ड में। आज हम फिर से लेके आए हैं पार्ट थर्ड का। आगे बढ़ते हैं, क्या है पार्ट थर्ड? भारत से हम क्या सीखे, जिसके राइटर कौन है? मैक्स मुलर। और ये पार्ट क्या है? भाषण, जिसको संबोधित करते हुए इनको अंग्रेज अधिकारियों को। कब हो रहा है? अंग्रेज अधिकारियों को संबोधित करते हुए मैक्स मुलर जो बोलते हैं उसका अनुवाद किसने किया? भवानी शंकर त्रिवेदी ने, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। चलिए अब आगे चलते हैं पार्ट से। जहाँ तक मैंने बताया था जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, शायद 172 बारिश नमक सिक्के। उससे आगे बढ़ते हैं पार्ट से। दैवित विज्ञान पर भारत के दैवित विज्ञान का प्रभाव से पड़े नए प्रकाश। भारत का दैवित विज्ञान, भारत में अनेक प्रकार की जातियाँ, अनेक प्रकार की धर्म है, अनेक प्रकार की भाषाएँ बोले जाती हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेक प्रकार की जातियाँ हैं ना, उसी प्रकार अनेक प्रकार के धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेक प्रकार के धर्म। उनके द्वारा जो होने वाले प्रभाव हैं उनसे दैवित विज्ञान यानी कि बहुत ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है दैवित यानी कि देवताओं का विज्ञान जो है उसके पड़ने वाले प्रभावों को बोला गया है कि भारत के दैवित वैज्ञानिक से एक नया प्रभाव पड़ा है हमारे दैवित विज्ञान पर। नीति कथा, जैसे आपने सुना ही होगा कहावत मुहावरा जिसको बोलते हैं नीति कथा, जैसे शेर की खाल में गधा, चूहा चूहे हीरोइन, वो सब बहुत सारे चीज़ आपने सुना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए नीति कथाएँ, बहुत सारे नीति कथाएँ भारत से यानी भारत पूर्व से पश्चिम, यानी भारत से पश्चिम की और पश्चिम से भारत की, पश्चिम हो जाता है यूरोप, कौन सा यूरोप, यूरोपीय देश को बोला जाता है पश्चिमी देश, तो भारत से पश्चिम की ओर यानी भारत पूर्व से पश्चिम की ओर। अब इनको लेकिन इन नीति कथाओं को अब वर्तमान समय में बौद्ध धर्म से आए हुए प्रवर्तित मतलब बौद्ध धर्म से द्वारा निकले हुए नीति कथाओं के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह सच नहीं है, मैक्स मुलर का कहना था। मैक्स मुलर आगे कहते हैं जैसे कि शेर की खाल में गधा यूनान, मैक्स मुलर कहते हैं कि शेर की खाल में गधा जो कहावत है या नीति कथा है वह भारत से पश्चिम की ओर गई है या पश्चिम से भारत की ओर गई है यह निर्धारित करना असंभव है, क्योंकि यह यूनान के प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रेस्टिलस नामक एक मतलब उस समय कुछ लिखने के लिए हुआ करता होगा क्रेस्टिलस, उस पर लिखा हुआ मिलता है। वो भी कब? चौथी शताब्दी में, जब भारत से इधर उधर आने जाना संभव नहीं था तभी मिलता है। यानी कि यह कहना असंभव है कहना कि भारत पश्चिम देशों की ओर गया है कि पश्चिम देशों से भारत की ओर आया है। आगे वो कहते हैं पूर्व से उधार ली गई है यानी कि भारत से उधार ली गई है, वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि पश्चिम से भारत की ओर नहीं आया है, यानी कि जरूर होगा कि भारत से पूर्व से उधार ली गई है। आगे वो बताते हैं कि चूहा एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी, चूहा की कहानी जैसे कि आप सबने भी सुना होगा, दादी माँ ये सबने बताया होगा ये कहानी कि एक चूहिया हुआ करती है जो कि साधु महात्मा से बोलते हैं मुझे रूप परिवर्तित कर दे, एक सुंदरी कन्या बना दीजिए ये सब। तो फिर वो बाद में एक चूहे को देखते हैं उसमें मोहित हो जाती है, तो साधु बोलते हैं चाहे कोई कितना भी रूप बदले लेकिन अपनी जात पे आते ही अपने आकर्षण को वो कभी नहीं भूलता, अपनी जाति को वो कभी नहीं भूलता। जैसे कि इसमें बताया गया एफ्रोडाइट का मतलब होता है पंडित या साधु, एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी में बदल दिया जिसका प्रतीत मतलब कहानी कहाँ से यूनान में स्ट्रेटस की कहानी मिलता है। स्ट्रेटस की कहानी कब? चौथी शताब्दी में ही, ये भी चौथी शताब्दी की बात है, चौथी शताब्दी में ही यूनान के स्ट्रेटस की कहानी में मिलता है। तब ये कहना मुश्किल है कि यह कहानी यूनान से भारत आई है या भारत से यूनान की है, लेकिन परंतु आगे बताते हुए कहते हैं कि अब युगांतर समय में जैसा पता चलता है कि दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व किस ओर आए यह कहना अभी असंभव है। ये तो मैंने थोड़ी देर पहले बता ही दिया था कि कहना अभी असंभव है मैक्स मुलर के अनुसार कि नीति कथाएं दंत कथाएं ये कहावत तीनों एक ही होता है, किधर भारत से पश्चिम की ओर गई हैं पश्चिम से भारत की ओर आई हैं या पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर से गई हैं किधर की ओर, किधर से किधर की ओर, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आगे कहते हैं कि सोलोमन के समय ही भारत सीरिया और फिलीपींस में आवागमन सुलभ हो गया था, यानी कि सोलोमन एक राजा हुआ करता था जिसके समय ही भारत सीरिया फिलीपींस जैसे मध्य एशिया देशों के बीच
आवागमन यानी कि आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो चुकी थी। और उस समय ही उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड जैसे संस्कृत के कुछ वर्ड बंदर हाथी इत्यादि जो संस्कृत में बोले जाते थे उस समय, उनके कुछ कुछ अंश वहाँ देखने को मिलते हैं जो कि भारत के सिवाय कहीं नहीं बोले जाते थे। इसे कहना असंभव या असंभव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभव है कि उस समय भारत से जो वस्तुएं हैं वह निर्यात या आयात हुआ करती थी। चलिए दोस्तों,